career. I did my MBBS from Milan Medical College, Quetta. And then I went for fellowship in psychiatry through SEEP, College of Physicians and Surgeons of Pakistan. I completed my training from Institute of Psychiatry, Benazir Bhutto Hospital, Rawalpindi. I did my FCPS in 2012, and then I went for international fellowship of America in the field of psychiatry. And I joined as a consultant psychiatrist to Balochistan Institute of Psychiatry and Behavioral Sciences, Quetta, as a senior registrar, and then I promoted as assistant professor after 2 years. Now I'm working as assistant professor at BIPS. It's a 120-bedded hospital, psychiatric facility that is working on different aspects of psychiatry, including psychology and different domains of psychiatry, like child psychiatry, forensic psychiatry, adult psychiatry, and many more. जो हमारे सबसे major इस वक्त जो psychiatric illness, psychiatric disorder है, वो throughout the world अगर देखा जाए तो वो depression बहुत ज़्यादा है. It's almost affecting 15% of population, general population, world. And that is estimated to ye kiya ja raha hai. Okay, now it's the third leading cause of disability. By 2020, if the things are going the same, to ye aisa hoga ki 2020 mein it will be the second leading cause of disability. So sochne ki baat hai, depression itni zyada ho gayi hai aur ये एक ट्रीटेबल इलनेस है, ट्रीटेबल डिसऑर्डर है. अब कहाँ पे ट्रीट हो, किस तरह ट्रीट हो, कौन ट्रीट करे, ये इसका इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है. अभी तक हमारे जो आवाम है, हमारे जो पॉपुलेशन है, उनमें इतनी वो सोच उसमें मेहार तक नहीं पहुंची है कि वो अपने लिए जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता हो वैसे डॉक्टर को चूज किया जाए. ये है कि इन बीमारियों को किस तरह बेहतर तरीके से इलाज किया जाए, कि मुख्तलिफ इलाज हैं, मुख्तलिफ वो हैं. अब डिप्रेशन के अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है. स्किज़ोफ्रेनिया की जो प्रेवलेंस है वो तकरीबन 1.2% जो है वो जनरल पॉपुलेशन में ये पाई जाती है. स्किज़ोफ्रेनिया में अगर हमारी समाज में कहा जाए तो उसको बहुत से लोग ये कहते हैं पागलपन, जिसको एक तरह से कहा जाता है. तो ये हमारे पॉपुलेशन में तकरीबन 1.2% तक ये चीज पाई जाती है, ये बीमारी पाई जाती है. बात ये है कि इन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए. इनके लिए अपने तरीकेकार हैं, अपनी दवाइयां हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको सही राह दिखा सके, जो आपको महसूस आपकी बीमारी के लिए हो. इसके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे इसमें पेशेंट कभी कभार ऐसे होता है कि बिल्कुल अकेला हो जाता है, किसी से बात नहीं करता. कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, एपोमेनिया में चला जाता है, बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. बहुत सारे लोगों ने ऐसे केसेस देखे होंगे, आप लोगों की नजर से गुजरे होंगे. चौथी हमारे पास जो बड़ी बीमारी आती है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसे वसवास की बीमारी कहते हैं. उसमें बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जिनको वसवास और तशवीश की बीमारी होती है. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि आग बार बार धोते हैं. बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि दरवाजों को चेक करते हैं, जो आपने ऐसे देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं. बेसिकली होता क्या है कि एक सोच आती है जिन्हें वो रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकती नहीं. अगर
अगर ये रुकने की कोशिश करते हैं तो ऐसे गलत ख्याल को रोकने की कोशिश करते हैं तो इनमें एंजाइटी होने लगती है, परेशानी होने लगती है। बच्चों में एक बीमारी है जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं, बहुत ज्यादा पाई जाती है बच्चों में। उसमें आपको पता नहीं चले दो से ढाई साल के बाद वालदेन को पता लगना शुरू हो जाता है कि ये एक बीमारी है। ठीक है, उसमें बच्चे ये होते हैं कि आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं और वो उसकी सोशल इंट्रैक्शन कम हो जाती है लोगों के साथ में, जो जैसे अमूमन बच्चे करते हैं दो साल की उम्र के बच्चे अमूमन बहुत सी बातें करना शुरू हो जाते हैं कुछ ऐसे। इन बच्चों में ये होता है कि अपने आप में ये मगन होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना अपने वालदैन से ताल्लुक रखते हैं, बस ये अपनी एक दुनिया में एक मस्त होते हैं। इसे बच्चों को रिकग्नाइज करना, फन पे ट्रीटमेंट करना ये बहुत जरूरी है और सही जगह पे ट्रीटमेंट करवाना ये उससे भी जरूरी है। दूसरे के समाज आती है ADHD, जिसको हम लोग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चे ये करते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको बात समझ नहीं आती है, उनको आप देखें वो तो एक जगह पे बैठते नहीं है। वो फैमिली के लिए, वो पूरे फैमिली के लिए, पूरे इलाके के लिए बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट करते हैं। से बच्चों का इलाज करना बहुत जरूरी है और ये काबिल इलाज बीमारियां हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, लेकिन बशर्ते कि वो बर वक्त उसकी तशखीस हो और बर वक्त उसका इलाज हो। अमूमन ये ज्यादातर 65-70 साल के बाद होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जो घर का रास्ता तक पहुंच जाते हैं, उनमें बहुत से वो चीजों से तंग आके वो लोग फिर गुस्से का इजहार करते हैं, चिड़चिड़े पल का इजहार करते हैं। उन्होंने हमारे लोग कहते हैं कि ये तो बाबा हो गए, ये तो बूढ़ा हो गए, इसके दिमाग काम नहीं कर रहे, फला फला फला, उसको डिस्ग्रेस किया जाता है। लेकिन ये है कि वो काफी इलाज बीमारी है, उसका अगर आप लोग इलाज करवाएंगे तो नो डाउट वो एक सिंपल और नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम नफ्सियात की दवाइयाँ शुरू कर लेंगे अपनी बात छोड़ने से, या उनकी कुछ बीमार कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ लोगों से सुना होता है कि अगर हम ये नफ्सियात वाली दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे तो ये फिर हम छोड़ने से, तो ये नशावर दवाइयाँ बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये दवाइयाँ एक मखसूस पीरियड के लिए दी जाती हैं और उसके बाद जो आपका फिजिशियन है, जो आपका न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट है, वो इस चीज को ऐसे ऐसे दवाइयों को टेम्पर करके बंद कर सकता है जब उसको लगेगा कि आप बेहतर हो गए। ये कोई नशावर दवाइयां नहीं है, ये कोई ऐसी दवाइयां नहीं है जिसकी आदत पड़ जाएगी आपको। बिल्कुल हम लोग नशावर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक से दो हफ्ते तक करते हैं और वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं। ये जो नफ्सियात की दूसरी बीमारियां हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट है, जो एंटीसाइकोटिक्स है या और मूड स्टेबलाइजर है, दे आर नॉट एडिक्टिव। इट इज वेरी क्लियर कि ये बिल्कुल एडिक्टिव नहीं है। इनको इंसान खा सकता है और मखसूस पीरियड तक खानी चाहिए, जो आपको आपका मालिक या डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, बहुत से घरों में घरेलू मसाइल होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां जन्म ले सकती हैं। बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो फैमिलीज में होते हैं, वो सॉल्व नहीं होते हैं, फिर आगे जाके साइकेट्रिक इलनेसेस की सूरत में वो फिर साइकेट्रिक इलनेसेस की सूरत में सामने आ जाते हैं। बेसिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए जरूरी है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह यह है कि उसमें उसकी जेनेटिक हिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है कि इसमें हम हमारे मॉडल पे काम करते हैं, जैसे बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं, बायोलॉजिकली कि उसके जेनेटिक्स क्या है, सोशली उसे क्या स्ट्रेसर्स मिल रहे हैं, क्या सोशल इफेक्ट्स उस पर आ रहे हैं, साइकोलॉजिकली वो कितना साफ है, वो दिमागी तौर पर कितना मजबूत है कि उनके मुकाबला कर सके। अगर इन तीन डोमेन्स के मिलने से
तीन डोमेन्स मिल जाते हैं तो उसमें फिर ये हो जाता है कि वो एनालिसिस जो होती है वो स्क्रीन पे आ जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे ये पता चला कि हमारे मरीजों के लिए, हमारे लोगों के लिए ऐसी ऐसी साइट बनी हुई है, ऐसे मूव बनी हुई है जो कि अप्रोच डॉक्टर तक आसान कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारे इलाकों में कि उनको पता नहीं होता है कि मैं कहाँ जाऊँ। अब ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो अरहम ने शुरू किया है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा काम है। इंसान को उसके सही मंजिल तक पहुँचाना ये बहुत बड़ा काम है और ये कर रहे हैं। And I wish them very best in the future. Inshallah, they will grow more and more. Thank you very much for listening to me.